हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोडिंग टैग। कोडिंग टैग में आपका स्वागत है। मैं योगेश खन्ना आज आपके लिए एक एक्सेल का फॉर्मूला लेके आया हूँ, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिपेंडेंट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी और के ऊपर डिपेंड होना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, जो आप इस शीट देख रहे हैं, इस शीट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि सिटीज जो है वो कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाए। यानी कि मैं जो भी कंट्री सिलेक्ट करूं उसके बेस पे उसी कंट्री से रिलेटेड सिटीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे काम आता है। ये फॉर्मूला सिर्फ कंट्रीज और सिटीज के लिए नहीं है, ये जस्ट मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको एफ कॉलम के अंदर हेडिंग दिख रही है कंट्रीज, और उसके नीचे आपको फोर कंट्रीज के नेम दिख रहे हैं, और एच आई जे के कॉलम के अंदर आपको जो हेडिंग दिख रही है इंडिया, इंडिया की सिटीज, यूएस, यूएस की सिटीज, यूके, यूके की सिटीज, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया की सिटीज। अब हमें क्या करना है, हमें इस कॉलम के अंदर इनको सबको नेम डिफाइन करना है। तो मैं इसको एक नेम देना चाहता हूँ, जो नेम दूंगा मैं इन कंट्रीज को कंट्रीज। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, टॉप रो को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके। तो अब क्या होगा कि इनका जो नेम है वो डिफाइन हो गया है, दैट इज कंट्रीज। चलिए हम चेक करते हैं कि वाकई में इनका नेम कंट्रीज डिफाइन हुआ है कि नहीं। आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डिफाइन नेम जो है कंट्री सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही अब मैं इन सबको भी नेम डिफाइन कर दूंगा, सभी कॉलम्स को, यानी कि इस कॉलम को इंडिया, आई कॉलम को यूएसए, जे कॉलम को यूके, एंड के कॉलम को ऑस्ट्रेलिया। क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, टॉप रो यानी कि जो सबसे ऊपर वाली रो है हमें उसी को हेडिंग बना करके चलना है, एंड देन ओके। सो अब आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज और कंट्रीज यहाँ पर आपको नेम्स डिफाइन हो चुके हैं। द नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि सिलेक्ट कंट्री के अंदर मैं सबसे पहले हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, जिस ड्रॉप डाउन के अंदर सारी कंट्रीज की लिस्ट आ जाएंगी, और जब मैं उस कंट्री को सिलेक्ट करूंगा तो उसके बेस पे सामने वाले कॉलम में, सामने वाले सेल में सिटीज आपको नजर आ जाएंगी। सो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एंड अलाउ के अंदर आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड एंड आप कंट्रीज वाले कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आप ओके कर देंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बन गया है, जिस ड्रॉप डाउन के अंदर आप देख रहे हैं इंडिया, ये सभी की सभी कंट्रीज यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंट्रीज के बेस पे यहाँ पर सिटीज भी डिफाइन हो जाएं, तो इसके लिए आप सेम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। यहाँ से आप सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रीज वाला, ब्रैकेट क्लोज, एंड ओके। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है इंडिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको इंडिया की सिटीज नजर आ जाएंगी। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट किया यूएसए, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, सो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट। सो गाइस, होपफुली आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि इसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है और इनको हम कैसे मल्टीपल कैटेगरीज के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज लाता रहूं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।